हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कन्वेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हो चुका है। अब सभी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, अब उनकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि वो अब यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं। और यूपीएसआई में सबसे कठिन जो हार्ड टॉपिक्स लगता है वो लगता है आपका मूल विधि का, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो चाहे वो पुरुष वर्ग के लिए हो, सबके लिए एकदम खुद को रिफ्रेश करना है आपको मूल विधि एग्जाम्स के लिए। तो इसीलिए यूथ पब्लिकेशन आज लॉन्च कर रहा है यूपीएसआई के लिए नई मूल विधि की परीक्षा रिफ्रेशर। साथ ही साथ उसमें आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय शासन अधिनियम 2023, इसके अध्ययन सामग्री मिल जाएंगे, शॉर्ट पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके एग्जाम्पल के रूप में 1715 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये बुक लॉन्च हो चुकी है, नजदीकी बुक स्टोर में जाइए। कांस्टेबल का पेपर आपने दे दिया है, अब आपको नए एग्जाम की तैयारी करनी है, वो यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई की फर्स्ट बुक हम आज लॉन्च कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे हार्ड यही आता है, इसी में आपको सारी चीजें चैप्टर वाइज मिलने वाली है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो 325 रुपए इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं 384 पेज की बुक रहने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग मिलते हैं, नजदीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगा, वहां नहीं मिल रही है तो हमारे ऑनलाइन स्टोर ycitybooks.com से ले लें। और तुरंत एक्सेल लेना चाहते हैं कि तुरंत हम एक्सेस ले लें, तो आप हमारे वेबसाइट ycitypublication.com पर जा सकते हैं, वहाँ ई बुक पढ़ सकते हैं, हमारा वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर मिल जाएगा। और हमारा जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है वाईसीटी प्राइम ऐप, उस पर भी आप जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। यही नहीं, लगभग 1200 प्लस किताबें, जिसके अभी कांस्टेबल का जो पेपर चल रहा था उसके सभी पेपर हमने निकाले थे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पेपर वाइज सभी चीजें हमने निकाली थी। इसमें लगभग 1200 प्लस किताबें आपको एक साथ एक्सेस करने को मिल जाती हैं। तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मिल जाएगा। आइए डिटेल के साथ जानते हैं इस बुक में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूथ कन्वेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। ये आपका यूपीएसआई उप निरीक्षक मूल विधि का क्या है, परीक्षा रिफ्रेशर एनुअल है। चैप्टर इसमें क्या क्या मिलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय शासन अधिनियम 2023, फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी आपका 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय शासन अधिनियम, महिलाओं के संरक्षण में संबंधित विधिक प्रावधान, बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान, SC ST, इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, आयकर, फिर भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर अपराध जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसके अलावा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि राजस्व संबंधी कानून, अप्रमुख न्यायिक निर्णय जो अभी हुए हैं जो फेमस होते हैं, उससे क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको डिटेल के साथ ये फिर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा डिटेल के साथ आपका रहने वाला है, किसमें क्या आप कौन सा अपवाद रहने वाला, साधारण अपवाद किसमें रहेंगे, प्राइवेट सुरक्षा क्या रहने वाली, वो चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये आपको क्या है, डिटेल के साथ यहाँ पे हर धारा आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पे चैप्टर वाइज अध्याय के साथ साथ दिख गया है कौन सी धारा किस अध्याय में है, इसके अंतर्गत आ रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मूल विधि से पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट हो चुका है 2023 का, उसमें आपको मिल जाएगा, इसमें चैप्टर वाइज पूरे डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए चैप्टर के साथ साथ धारा भी याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर में कौन सी धारा रहने वाली है, तो टॉपिक आपको क्लियर रहेंगे कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज रहने वाली है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यही आपको बहुत ज्यादा काम देगा बाद में जब आप ऑन ड्यूटी हो जाएंगे तो। ठीक है, आप देखिए भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 स्टार्ट हो गया, इसके भी सबूत के साक्ष्य हो गए, साक्षियों की परीक्षा के विषय में कौन कौन सी धाराएं रहती है, फिर भारतीय दंड संहिता आपको देखने को मिल जाएगा किसके अनुसार क्या रहने वाला है, प्रस्तावना क्या क्या रहेगी, उसमें अध्याय में कौन कौन सी धारा रहने वाली, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके क्या है पूरे धाराएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, यहाँ पे देखिए अध्याय 8, फिर अध्याय 10, अध्याय 9, धारा 161 से लेकर 71 निर्वाचन संबंधी अपराध, ये आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपको ये चीजें पढ़नी है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके जनरेट होंगे। इसके बाद क्या स्टार्ट होंगे, आपके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार के रहने वाले हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ उतना पढ़ने के बाद अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपको स्टार्ट होते हैं, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन तो आप पढ़िएगा साथ ही साथ इसके सोल्यूशन भी पढ़ लीजिएगा कि इतना डिटेल सोल्यूशन में क्या क्या चीजें टॉपिक पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई, कब हुई, 6 अक्टूबर 1860 को, 6 दिसंबर 1860 को, 1 जनवरी 1861 को, 1 जनवरी 1862 को, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आंसर क्या सही रहने वाला है आपका, 1 जनवरी 1862 से पूरा डिटेल मिल जाएगा, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को लागू किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग इसी रूप में या विधान
तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में लागू की गई। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम को अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया गया, ये आपका 6 अक्टूबर 1860 को किया गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपने पीछे भी पढ़े, देखिए यूपीएसआई के बैच 3 में पूछा गया 13 दिसंबर 2017 को, और क्वेश्चन कहाँ है आपका जो आए गए हैं ये आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन है कुछ उसमें आपको ऐसे ही यहाँ पे दिए रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। तो ये बुक आपको नजदीकी बुक स्टोर में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, जाकर ले लीजिएगा। लेटेस्ट वाली नई बुक जो लॉन्च हुई उसको लीजिएगा। प्रिंट प्राइस और नंबर आप मैंने आपको बता दिया, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट ycitybook.com से भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारी ई बुक आप पढ़ सकते हैं ycitypublication.com पे वेब वर्जन में, यानी लैपटॉप पीसी या टैबलेट में या एंड्रॉइड में पढ़ना चाहते हैं। तो दो एप्लीकेशन है, YCT का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और YCT की प्राइम जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यूपीएसआई की नई बुक रिव्यू के साथ, और उसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो चीजें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। थैंक यू गाइस।